एक सहाबी हजूर की खिदमत में हाजिर हुए आराबी थे देहात के रहने वाले थे उन्होंने हुजूर की बारगाह में एक बात तर्ज की कि हुजूर इस्लाम के हकाम तो बहुत सारे हैं आज भी अगर आप देखें तो किताबें भरी पड़ी हैं फिर हुजूर इरशाद फरमाते थे सिहबा उसको सुनते थे महफूज करते थे आगे बयान फरमाते थे उनका बहुत सारे अकाम हैं इस्लाम के मैं एक देहाती शख्स हूँ मुझे कोई एक बात इर्शाद कर दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो तो आका ने उस शख्स को एक बात इर्शाद की फरमाया कि किसानों का रत बमिन तू इस हालत में फौत हो कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो सौ बातों की एक बात इर्शाद फरमा दी अन तमुता व लसानों का रत बुमिन जिक्र तू इस हालत में इंतकाल करे कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से मैं और आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारें कि मौत अचानक आए या तभी मौत आए जिस हालत में भी हमें मौत आए तो हमारी ज़ुबान आदि हो अल्लाह के ज़िक्र की उधर से सांस टूट रही हो और उधर लबों पर अल्लाह का नाम जारी जिस शख़्स का आखिरी कलमा ला इलाहा अल्लाह हुआ अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। और कितने खुशनसीब लोग होते हैं कि मरते हुए जिनके लबों पर अल्लाह का बाकायदा नाम आता है अल्लाह का ज़िक्र उनके लबों का वजीफा होता है और कुछ लोग उनको तलकीन भी करें तो ज़ुबान पे अल्लाह का नाम नहीं आ पाता और उनमें से एक वो शख्स जो शराब का आदि है या किसी भी नशा आवर चीज़ को लेता है तो ऐसे शख्स को मरते हुए कलमा नसीब नहीं होता जो उसको दुनिया के ऊपर सज़ाएँ दी जाती हैं उन सज़ाओं में से एक सज़ा यह है कि मरते हुए उसके लबों पे कलेमा नहीं आता और ने यह भी लिखा है कि जो बेनमाज है नमाज नहीं पढ़ता मरते हुए उसके लबों पे भी कलेमा जारी नहीं होता अल्लाह अकबर तो एक जाम बात अर्शाद कर दी कि अंतमूता वाले सानों का रतबुमिन जिक्र तो इस हालत में फौत हो कि तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से हो कुर मजीद में हमें अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि मुझे याद करो और ये भी हुक्म दिया है कि मुझे फरामोश ना करो वाला तो क्नु कल्लाजीना न सुल्ला उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया अल्लाह को भूल गए जब कोई खुदा को भूल गया तो खुदा फिर उसको फरामोश कर देता है और उसकी सज़ा क्या है कि वो ख़ुद फरामोशी का शिकार हो जाता है वो अपने आप से भी आगा नहीं रहता तो हमें जो हुक्म दिया गया वो है अल्लाह को याद करने का तो याद करने का एक मफहम यह है कि अल्लाह जल्ला शाहू की अतात की जाए उसकी फरमा बरदारी की जाए उसके अहकाम पर अमल पैरा हुआ जाए ना यह है कि उसके अहकाम को फरामोश कर दिया जाए यकूल्ला तबार का वाल अल्लाह जला शाहू खुद इरशाद फरमाता है ये कुछ सी है फीमा यरवी रब्बे जो हजूर अपने रब से रिवायत करते हैं अल्लाह जल्ला शाहू क्या इरशाद फरमाता है सुनिए आना इन दा जन्न अब दीबी मेरा बंदा मेरे बारे जो गुमान करता है मैं ऐसे ही मामला करता हूँ यानी बंदे को मेरे से जो गुमान है तो मैं उसके मुताबिक मामलत फरमाता हूँ वह आना म आहू करनी और जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ ही होता हूँ जब मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ फ़ायज़ा ज़कर अनी फ़ी ही, ज़कर तो हूँ फ़ी नफ़सी जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अकेले याद करता हूँ कितनी बड़ी बात है कि किसी को रब याद करे अल्लाह अकबर कहा जब वो अकेले मुझे याद करता है तो मैं भी उसको अकेले याद करता हूँ व इन ज़र फ़ी मला ज़कर तो फ़ी मला ख़ैर मिन हूँ अगर वह मुझे मजमे में याद करता है लोगों के हजूम में याद करता है तो मैं भी उसे मजमे में याद करता हूँ जो इस मजमे से बेहतर है इस अजतमा से बेहतर है यहाँ नेक बद गुनागार सारे तरह लोग है। के लोग हैं लेकिन मैं फ़रिश्तों के अजमा में याद करता हूँ अल्लाह अकबर क्या मंज़र होता होगा कि जब अल्लाह फ़रिश्तों में किसी बंदे को याद फरमा रहा हो अल्लाह अकबर और एक हदीस में जो है वो इसके फिर आगे लफ्स जो है ये हैं मेरा बंदा मेरी तरफ अगर एक बालिशत चल के आता है तो मैं एक ज़रा आता हूँ और मेरा बंदा मेरी तरफ अगर एक कदम आता है सत्तर कदम आता हूँ और अगर मेरा बंदा मेरी तरफ़ चल कर आता है अत तो हूँ हर वाला मेरी रहमतें दौड़ के इस्तबाल करती अल्लाह अकबर तो कितनी करब नवाजी होती है जो उसको याद करता है तो याद का चराग कभी भी बुझना नहीं चाहिए